किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए कोशिश करो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नौकरियां पेड़ों पर तो नहीं उगती ना दादी, कि मैं कोशिश करूं और दूसरे शहर चली जाऊं। तुम्हारे पास तो डिग्री है और डिग्री तो किसी भी शहर में चलती है। लेकिन नौकरियां इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और इतनी अच्छी नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ भी तो मिली है, आगे भी मिल जाएगी, हम कम में गुजारा कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं करूंगी, मैं किसी के डर से मुंह छुपाकर नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो तुम, फिर उतनी ही जिल्लत उठाओ जैसे पहले उठा चुकी हो। इस बार मैं जलील नहीं होंगी। जैसे उन्हें एक बार बेनकाब किया है, इस तरह हर बार करूंगी। इतना मजबूर कर दूंगी कि वो घुटनों पर आ जाएंगे। हमारा वो बहुत ताकतवर लोग हैं, एक बार क्या हजार बार भी बेनकाब करोगी ना तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो लोगों को खरीद कर उनका मुंह और आंखें बंद करने की ताकत रखते हैं। आप परेशान मत हो दादी, वो लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार अपना खोया हुआ एतमाद और रेपुटेशन वापस नहीं ला सकते। रहमत तो मरकर मुसीबतों से बच गया, जिंदा रहता तो जिल्लत और ख्वारी का सामना करना पड़ता, और आप कह रही हैं बेवक्त मौत। क्या कह रही हैं बड़ी बेगम? सच कह रही हूँ, एक बाप के लिए मरने का इससे अच्छा वक्त कोई हो ही नहीं सकता था। जानता था ना अपनी बेटी के करतूत। बेटी जैसी तो वो आपकी भी थी, इतने सालों में आपको तो कोई बुराई नजर नहीं आई उसमें। हाँ, ये मेरी कम नजरी थी कि मैं उसे पहचान नहीं सकी, और न जाने उसके लिए क्या कुछ सोच लिया। वरना जिस तरह की ये लड़की है, इसे तो किसी शरीफ घर में भी घुसने ना दिया जाए। एक बार इज्जत और एतमाद खो जाए तो वो वापस नहीं आता। और तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है।